हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक लक्स में। दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बोट रॉकर्स 385 V2 का और बोट रॉकर्स 335 स्मार्ट बर्ड्स का। इन दोनों का हम आज एक कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के लिए पहली बात तो मैं इन्हें क्यों आज इसकी वीडियो बना रहा हूं, इसके पीछे एक प्रॉब्लम है और क्या वो प्रॉब्लम है, क्या कारण है, क्या रीजन है, वो तो वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो फटाफट से हम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोट रॉकर्स 335 स्मार्ट बर्ड्स की। इन दोनों ही वीडियो की, इन दोनों ही जो नेकबैंड है, ये दोनों, इन दोनों की वीडियो मैंने बना रखी है। इसकी वीडियो आपको अब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ में इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, और इसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में दोनों में ही मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इनका फुल रिव्यू जो है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं, आज हम इसकी एक शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं, बिल्कुल ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। प्रॉब्लम क्या है वही सीधे सीधे हम बात करेंगे। जब मैंने इसे परचेज किया था, बोट रॉकर्स 335 स्मार्ट बर्ड्स को, बहुत अच्छे थे, काफी बढ़िया चल रहे थे ये, लेकिन जब मैंने इन्हें परचेज किया तो परचेज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के बाद ही ये खराब हो गए। खराब क्या हुए, इनमें पावर फेलियर हो गया, ऑन नहीं हो रहे थे। मैंने कंप्लेंट किया, मेरे घर से पिकअप हुआ और ये चले गए। अब होता कुछ यूं है कि इन्हें जब मैंने और जो वापस कर दिया था तो मैंने कस्टमर केयर पर बात करी तो उन्होंने मुझसे बोला, एक तो पहली बात तो कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था मुझे पहले काफी दिन तक, फिर उसके बाद में जब मैंने केयर पर बात करी, एक तो केयर पर इनके बात नहीं होती है, आप कॉल लगाएंगे 10 से 20 मिनट तक कॉल चलती रहेगी कंटिन्यू, लेकिन आपकी बात नहीं कनेक्ट करवाएंगे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बहस चोर के काम हम पे। फिर जब बात होती है तो इन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी जगह आपको रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है। रिप्लेसमेंट क्या मिल रहा है आपको, रिप्लेसमेंट मिल रहा है 385 V2 का या फिर 381 का, ठीक है, जो डिओ ड्रॉप्स हैं। तो मैंने कहा कि मुझे इन दोनों में से कोई सा नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सेल्स डिपार्टमेंट पर बात कर लीजिए और उनमें जो है आपको दूसरा प्रोडक्ट आपको अगर ये अवेलेबल होगा तो वो मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने बात किया, उन्होंने कहा नहीं आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको इन दोनों में से कोई एक परचेस करना पड़ेगा, कोई लेना पड़ेगा। और मैंने दोनों के बारे में पहले पता करा, दोनों में सबसे बड़ी बात ये रही कि ये वाले बहुत ही बेकार थे और जो दूसरे ड्रॉप्स दिए जा रहे थे वो भी बेकार थे। तो और अगर हम, मैंने कहा मुझे इसके का अगर रिफंड मिले तो रिफंड की बात आई तो रिफंड जो है कंपनी की तरफ से कहा गया कि 80% आपको काट करके दिया जाएगा, 80% आपको रिफंड मिलेगा, आपको 20% रिफंड काट लिया जाएगा, उसके पैसे जो है 20% काट लिए जाएंगे, तब आपको 80% इसका दे दिया जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे फुल रिफंड चाहिए, फुल रिफंड उन्होंने देने से मना कर दिया, तो मैंने ये वाला मंगा लिया। अब कुछ होता कुछ यूं है, सिर्फ और सिर्फ 20-25 दिन ही इसे यूज किया है मैंने, और 20-25 दिन यूज करने के बाद में पता चला मुझे कि ये जो स्मार्ट बर्ड्स हैं, जो नेकबैंड है ये बोट रॉकर्स 385 V2 के, ये भी पावर फेलियर हो चुका है इनका। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, ये ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहे हैं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ऑन करते ही जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑन करने के बाद लाइट वगैरह कुछ नहीं चल रही है। मैं यहां से ये मैंने ऑन किया, आप देख पाएंगे कैमरे में, कैमरा फोकस कर ले, ये मैंने इसे ऑन किया, ऑन करने के बाद में इसमें कोई लाइट नहीं चल रही है, और ऑन करने के बाद में आपको पता चलेगा, मैं देखिए कोई आवाज भी नहीं आ रही है। तो ये इनका पावर फेलियर हो चुका है, ये भी बेकार हो चुके हैं, और सिर्फ 20 दिन के बाद में, ज्यादा दिन नहीं हुए इसे इन्हें ऑर्डर किए हुए, और ये भी बेकार हो गए। अब मैंने केयर पर बात करी है, केयर पर मैंने कॉल करके कहा है कि मैंने कॉल लगाई तो कॉल कर, पहले तो कॉल हुई नहीं, फिर मैंने ट्वीट किया, ट्वीट का
मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर। और फिर मैंने उनसे कहा कि इसका पिकअप करिए, तो पिकअप आज मेरा पिकअप होने जा रहा है इसका। और कुल मिलाकर के बात यह है कि बोट के जो ये प्रोडक्ट हैं अंडर 2000 सारे ही बेकार हैं, कोई सा बैटर नहीं चला। एक महीने के अंदर अंदर सारे के सारे बेकार हो जा रहे हैं। पावर फेलियर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इनमें। और अभी और नॉर्मल ही यूज़ कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, सुनते सुनते ही अपने आप चलने बंद हो गए ये। अब ये दोनों स्मार्ट बैंड्स जो है मेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं। बोट का मैंने जो भी प्रोडक्ट अभी तक परचेज किए हैं वो सारे ही मेरे बेकार निकले हैं। कोई भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है रहा है वो सबसे बेकार रहा है कि बोट के साथ में। मैंने डीजो के और रियलमी के परचेज किए थे, दोनों ही बेटर निकले और बहुत अच्छी आवाज़ कर रहे थे। आवाज़ भी अच्छी थी उनकी, साउंड भी बढ़िया थी। और अगर इनकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात की जाए इसकी, तो इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बहुत बेकार है। अगर आप थोड़ी सी दूर चले जाएंगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बिल्कुल बेकार हो जाती है, आवाज़ आपकी कटने लगती है। बस केवल और केवल ये एक ही चीज़ में अच्छा है, वो है बैटरी बैकअप। बाकी ये सभी प्राइस पॉइंट पर, अगर इस प्राइस पॉइंट पर बात कर जाए कि 2000 रुपए में, तो ये सबसे बेकार स्मार्ट बड्स बेकार नेकबैंड रहे हैं आपके। और इनकी बात करें यदि हम, तो ये जो आपके नेकबैंड हैं बहुत बढ़िया चले थे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे थे, कलर भी अच्छा है इनका। लेकिन जैसे इसमें कहा गया है APTX HD का सपोर्ट, और इसमें भी कॉल नॉइस आइसोलेशन के लिए बोला गया है, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। CVC कॉल नॉइस आइसोलेशन सपोर्ट दिया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आवाज़ पता नहीं चलती, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ पता चलती है। दोनों ही बेकार हैं ये। और इसमें अगर हम बात करें सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट, वो दोनों में ही हो जाता है। और तो और 10mm के ड्राइवर वो इसमें भी थे, इसमें भी थे। आवाज़ इसकी आवाज़ तो कुछ ज़्यादा ही बेकार थी, इनकी आवाज़ ठीक भी थी बट इसकी आवाज़ तो बहुत ही बुरी, इसकी आवाज़ तो जो 385 V2 हैं इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। और अगर हम बात करते हैं 385 335 की, तो 335 की आवाज़ बहुत अच्छी थी, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी फिर भी अच्छी थी। और चार्जिंग के लिए अच्छा है ये, केवल बैकअप के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैकअप के लिए बहुत अच्छे स्मार्ट वॉच हैं। अगर नेकबैंड आप खरीदें तो नेकबैंड, अगर आप इन्हें, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन्हें परचेज करें, इन्हें बिल्कुल परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बेकार और फ्रॉस्ट प्रोडक्ट ये जो रहे हैं वो 385 V2, और इसे आप लेने की परचेज करने की सोचिएगा मत। मुझे कल एक का कमेंट आया था सब्सक्राइबर का, तो उन्होंने बोला कि 335 जो है वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैंने उन्हें कमेंट करके बोल दिया कि आप इन्हें परचेस ना करें, कंपनी ने एक तो खुद ही ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, और दूसरी बात अगर आपको ये कहीं मिल भी जाते हैं, कहीं किसी वेबसाइट पर अगर आपको मिल जाएं या कोई सेकंड हैंड बेच रहा हो, तो आप इन्हें ना परचेस करें, कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप कोई और से परचेस कर सकते हैं, डीजो की तरफ जा सकते हैं आप, या फिर रियलमी की तरफ जा सकते हैं, और तो आप ओप्पो की तरफ भी जा सकते हैं, और मीवी का भी ठीक ठाक है, लेकिन इसकी तरफ आप ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इनका फुल रिव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। ये केवल और केवल प्रॉब्लम क्या हुई है और अब इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन होता है अब वो देखते हैं। मैंने इन्हें रिटर्न के लिए एक रिक्वेस्ट रेज कर दी है और कंपनी को क्लेम कर दिया है। अगर आपको जानना है कि इसे कैसे कंप्लेंट की जाती है और कैसे आपके घर से होम पिकअप हो, तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि उसकी सेपरेट वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी हमें अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हों या फिर कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो हो, उन सभी की वीडियो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। तो आप हमारे चैनल को अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।